हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। हम लोग एज पेरेंट्स बच्चों की हर छोटी से छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बी इट द क्वालिटी ऑफ देयर क्लोथ्स और व्हाट वी आर पुटिंग ऑन देयर स्किन। लेकिन बहुत बार हम उनके शूज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट शादी से पहले तक आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, यानी वेन एवर आई बॉट शूज़ मैं यही देखती थी कि अच्छे दिख रहे हैं, फिट ठीक कर रहे हैं, दैट्स इट, नो अदर फैक्टर्स आई यूज टू कंसिडर। बट निशित इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कम्फर्ट एंड द अदर फैक्टर्स जो कि ध्यान देने चाहिए वाइल बाइंग शूज़। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ आई हैव ऑल्सो बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट, एंड ऑनेस्टली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द डे टू डे लाइफ। खास करके बच्चों के साथ ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी दैट दे डू ऑन अ डे टू डे बेसिस, प्लस ग्रोइंग अप ईयर्स में उनके फीट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, एंड हैंस इट बिकम्स ऑल द मोर क्रिटिकल। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जो हम लोग फैक्टर इन करते हैं एवरी टाइम बिफोर बाइंग एनी शूज़ फॉर अथर। और साथ ही में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि अथर के लिए हम कौन से शूज़ यूज़ करते हैं। इनफैक्ट उसकी नेक्स्ट स्कूल सेशन के लिए वी जस्ट गॉट अनदर पेयर एज वेल, तो मैं आप लोगों के साथ मिलकर इसको अनबॉक्स करूंगी। दीज आर द शूज़ फ्रॉम प्लेटो विच वी हैव बिन यूजिंग, एंड दिस वी हैव बॉट फॉर द नेक्स्ट सेशन। एंड वाइल आई से कि ये स्कूल के परस्पेक्टिव से हमने खरीदे, बट दिज आर एक्चुअली मल्टी प्ले शूज़, यानी अथर उन्हें प्ले ग्राउंड से शुरू करके पार्क से शुरू करके स्कूल तक कहीं भी पहन सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड बच्चों के शूज़ खरीदने से पहले इज कम्फर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्पेशली इस एज में लाइक आई सेड बच्चे बहुत फिजिकली एक्टिव होते हैं, होना भी चाहिए उनको, लेकिन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शूज़ इतने फ्लेक्सिबल और कम्फर्टेबल हो कि बच्चों के जो फीट का डेवलपमेंट है उसको हैम्पर ना करें, एंड एट द सेम टाइम किसी भी तरह का स्ट्रेन ना पड़े उनके पैरों पे। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो दिस शूज़ हैव अ वेरी यूनिक टिल्ट लेसिंग मैकेनिज्म जो कि पैरों का जो नेचुरल बेंड होता है उसके साथ अलाइन करता है और पैरों को यू नो वो मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी इफ यू हैव किड्स इन द एज ग्रुप ऑफ अथर, आई एम श्योर जस्ट लाइक अथर वो लोग जंपिंग, रनिंग, फॉलिंग हर चीज करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड समथिंग लाइक दिस प्रोवाइड्स देयर फीट द मच रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। जो दूसरा पॉइंट कंसिडर करना जरूरी है वो है बाइंग द राइट काइंड ऑफ शू फॉर द राइट काइंड ऑफ एक्टिविटी। यानी बच्चे बहुत सारी चीजें करते हैं, फ्रॉम फ्री प्ले टू प्लेइंग प्रॉपर स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग्स, एंड हो सकता है कि हर इस एक्टिविटी के लिए आपको एक स्पेशलाइज अलग टाइप के शू की जरूरत हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट ऑल्सो। पहले हम लोग अथर्व के अलग अलग चीज़ों के लिए, यानी टेनिस के लिए उसके अलग शूज़ थे, साइकिलिंग के लिए अलग शूज़ थे, जो नॉर्मल फ्री प्ले और इधर उधर जाने के लिए अलग शूज़ थे, बट आफ्टर वी स्विच टू प्लेटो वी कैन प्रीटी मच यूज़ द सेम शूज़ फॉर एवरीथिंग। तीसरा जो फैक्टर कंसिडर करना चाहिए वो है टू चेक द मिडसोल ऑफ द शू, एंड आई थिंक बहुत कम लोग ये करते हैं। मिडसोल वो होता है जो आपके बच्चों के पैरों को एक्चुअल प्रॉपर कुशनिंग प्रोवाइड करता है शू में, और जो जर्क्स या ये लगता है शॉक एब्जॉर्प्शन में बेसिकली हेल्प करता है। द मिडसोल ऑफ दिस शूज आर हैवी ड्यूटी टू हैंडल ऑल द एडवेंचर्स ऑफ द किड्स एंड स्टिल बी कम्फर्टेबल। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टू कंसिडर द वेट ऑफ द शूज। शूज जितने लाइट वेट होते हैं उतने ज्यादा कम्फर्टेबल एंड ईजी टू कैरी होते हैं। दिस इज वन फैक्टर जो हम लोग विदाउट फेल घर के हर मेंबर में, नॉट ओनली अथर, चाहे मीरा हो चाहे मैं हूँ, वी ऑलवेज लुक एट द वेट ऑफ एनी शू बिफोर बाइंग इट। दिस शूज फ्रॉम प्लेटो आर एक्सट्रीमली लाइट वेट, मेकिंग इट एन आइडियल चॉइस। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम इंडियंस के लिए फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है वो है टो या जो फ्रंट का डिज़ाइन है उसको चेक करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव वाइडर टोज, हमारे पैर आगे से थोड़े से चौड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे शूज़ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, शू बाइट्स, ब्लिस्टर्स, ये सारी चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। एंड दिस इज ऑनेस्टली समथिंग दैट आई लव अबाउट दिस शूज, यानी प्लेटो शूज़ कम विथ अ वाइड टो बॉक्स जो कि ये सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है और बच्चों के जो ग्रोइंग फीट है उसको एक प्रॉपर रूम प्रोवाइड करता है टू मेक इट वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। तो ये थे वो टॉप 5 चीज़ें जो हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं बिफोर बाइंग शूज़ फॉर अथर और फॉर दैट मैटर एनी वन इन दिस हाउस। क्या आप लोग ये सारी चीज़ों को चेक करते हो बिफोर बाइंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कोई और ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स है या फीचर्स है जो आप हमेशा चेक करते हैं तो वो भी बताइएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट दिस शूज़ फ्रॉम प्लेटो शूज़, आई एम गोइंग टू लीव द लिंक टू इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। बाय बाय।